नोटबंदी पर बीजेपी एक सुर में बोल रही है, लेकिन बॉलीवुड के शॉटगन और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के सुर बिल्कुल अलग है। आज तक संवाददाता अशोक सिंघल के साथ खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नोटबंदी पर सरकार का होमवर्क ठीक नहीं था। नोटबंदी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रुघ्न जी, जो नोटबंदी का फैसला लिया सरकार ने, उस पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, आपने भी ट्वीट करके कई सवाल उठाए, क्या कहना आपको, किस ढंग से देखते हैं इसको? अगर दो भाग में बांटा जाए तो सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा ऐसे साहसिक कदम के लिए, सामयिक कदम के लिए, यानी टाइमली डिसीशन, बोल्ड डिसीशन, वाइज डिसीशन के लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ कि काला धन की रोकथाम के लिए इतना बड़ा कदम जो देश की अपेक्षा के अनुरूप था उठाया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना से बहुत ज़रूरी है कि काला धन को हम कहाँ मिक्स कर रहे हैं, क्या वो हमारी माएँ बहनें, हमारी माताएं बहनें, हमारे परिवार के लोग जो तकिया के नीचे, ताखा पे, किसी ड्रॉर में, साड़ियों के बीच में जो संभाल संभाल के सालों से पैसे रखती हैं, क्या वो काला धन है? वो तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के हित के लिए रखा, दवाई के लिए, शादी ब्याह के लिए, मकान बनवाने के लिए, बुढ़ापे में काम आए इसके लिए रखा, अब उसको भी काले धन में शामिल कर दिया गया कुछ लोगों के ज़रिए, तो लगता है कि शायद सारा देश दागदार है और सारे देश की नागरिक जो है वो काला धन में लिप्त है। ऐसा नहीं है, का नागरिक चाहती है कि काला धन समाप्त हो, क्योंकि काला धन जुड़ा हुआ आतंक से, काला धन जुड़ा हुआ है ड्रग्स से। लेकिन आपका ये भी कहना है कि तैयारी नहीं थी, कहाँ था आपको लगता है, कहाँ कमी रह गई? अशोक सिंघल जी, उसी बात पर अब मैं आ रहा हूँ कि तैयारियों में कहीं कमी होगी। जब हमने शुरू में बातें की और ऐसा हमने मुद्दा और ऐसा इशू, इतना साहसिक कदम उठाया इस मामले में, तो हमारे लोगों को, प्रधानमंत्री का इसमें कोई दोष नहीं, प्रधानमंत्री के पास बहुत काम है, पूरे देश को देखते हैं। अब इसके बाद उनकी टीम में जो लोग हैं, हमसे ऐसे लोग हैं, हम लोगों को एक अच्छी ब्रीफिंग करनी चाहिए थी, अच्छे इमेज वालों को, वैसे लोग नहीं जिनकी अपनी इमेज दागदार हो, चाहे उतनी धूमिल हो या उतनी इमेज अच्छी नहीं हो। वो लोग आकर जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं, अरे ये बता रहे हैं, हम बस सिखा रहे हैं, इतनी मुश्किल हो गई, इतनी मुसीबत आ गई, हम घर के परिवार, औरतें, मोहल्ले के लोग, पूरा देश लाइन में कतार में खड़ा है। हो सकता है कुछ ज्यादतियाँ भी हो, एग्जेजरेटेड भी हो, लेकिन ये तो वास्तविक हकीकत है और वो बताते हैं। और दूसरी बात ये कि इनके समाधान के लिए जो हम अब ला रहे हैं, समस्याओं के समाधान के लिए कि 2.5 लाख रुपया निकाल सकते हैं और 25,000 रुपया करीब किसान परिवार निकाल सकते हैं, और साहब हमारे अपने 2.5 लाख रुपया घर परिवार की औरतें या अपने जमा कर सकती हैं, लोग जमा कर सकते हैं, ये तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्या इनको ये पहले ही नहीं सोचना चाहिए था?